जैसे कि ये आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो भूस है, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये कट गए हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार के रियर सस्पेंशन को आप कैसे चेक कर सकते हैं एकदम से एग्जैक्ट कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। और आप सभी को पता है कि मेरे पास है टाटा की विस्टा, और इसमें अभी मैंने 2 साल पहले इसके दोनों शॉकर पीछे के डलवाए थे, लेकिन हुआ ये कि अभी इतनी भयानक आवाज आ रही है दोनों साइड से, मतलब खट खट एकदम से। तो ऐसा लगा मुझे कि क्यों ना इसे चेक किया जाए एकदम से जेन्युइन तरीके से। जेन्युइन तरीका मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाहर से चेक करते हैं और डिग्गी उग्गी दबा के देखते हैं, हाँ ऐसे भी पता चल जाता है, लेकिन मैं आपको आज जेन्युइन तरीका बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अभी आप देख सकते हैं एक साइड का चक्का लगा हुआ है पीछे का, और गाड़ी बहुत गंदी है, उसको माइंड आप मत करिएगा। और चलिए उस साइड का दिखाता हूँ जिस साइड का मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं एक साइड का मेरा पहिया खुला हुआ है कार का, और इसमें हुआ यह था कि यह गाड़ी पंचर थी, तो मैं सोचा कि इसको एक बार टायर को निकालते हैं और इसके बाद फिर इसका सस्पेंशन चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो ये शॉकर लगा हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होता तो यहाँ ऑयल होता और उसके साथ डस्ट पार्टिकल उसके साथ चिपके होते, लेकिन किसी भी प्रकार का उसमें ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ है, जिससे हमें ये समझ में आता है बाहर से देखने पे। जब हम बाहर से चेक करते हैं तो यही देखते हैं कि इसमें ऑयल लीकेज तो नहीं है, अगर ऑयल लीकेज है तो फिर शॉकअप में प्रॉब्लम है और वो शॉकअप ख़राब हो चुका है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है और गाड़ी फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, दोनों साइड से आवाज़ कर रही है। ये जो शॉकअप है केवल एक बोल्ट से लगा होता है, यहाँ एक लंबा सा बोल्ट लगता है, मैं वो बोल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये बोल्ट है जिसको मैंने खोल भी लिया है, और अभी मैं बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे चेक किया है एकदम से कि ये सही है कि ख़राब है। और इसका जो ऊपर का मैं दिखा देता हूँ कैसा सिस्टम रहता है बूट के अंदर। तो बूट के अंदर देख सकते हैं ऐसा कुछ इसमें नट लगा होता है, और इसको मैंने लुब्रिकेट ऐसे कर दिया क्योंकि इसमें रस्टिंग हो रही थी, क्योंकि ऐसा इसमें कैप आता है और इस वाले का कैप घूम गया है, इस वजह से इसमें रस्टिंग हो रही, तो मैंने इसको अभी लुब्रिकेट कर दिया है। तो यहाँ एक बोल्ट यहाँ रहता है, एक बोल्ट नीचे रहता है, और यही दो बोल्ट खोल देने से शॉकअप बाहर आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम चेक कैसे करते हैं कि शॉकअप सही है कि ख़राब है कार का। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है गैस फील्ड होते हैं, गैस ऑयल फील्ड होते हैं, तो जब हम इसे ऊपर की ओर उठाएंगे, जैसे कि मान के चलिए इधर का मैंने बोल्ट खोल दिया है और इसको जब हम ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। तो मैंने आपको बताया जैसे पुराने शॉकअप होते हैं, अगर आप उनको ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे तो बहुत ही इजिली ऊपर की ओर चले जाएंगे, लेकिन मेरे केस में ये जो शॉकअप है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हार्डनेस है और ये बहुत मुश्किल से ऊपर गया है, और इसके साथ ये छोड़ने पे नीचे भी आ जाएगा अपने आप। और जब ये ज़मीन पे रहता है तो इसको कैसे चेक करना होता है, ऊपर वाले भाग को दबाना होता है नीचे रख के, तो ये ऊपर वाला भाग जब नीचे दब जाता है इसके बाद ये अपने आप ऊपर चला जाता है। लेकिन जो शॉकअप ख़राब रहते हैं वो बहुत ईजिली ऊपर जाते हैं और जाने के बाद रिटर्न अपने से वापस नहीं आते हैं, जैसे कि ये आ रहा है आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से आ रहे हैं। तो मैंने पहिया खोला था इस वजह से मैंने इस शॉकअप को खोला, और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बूस आता है और एक बूस उस साइड आता है। तो मुझे अब डाउट हो रहा है क्योंकि शॉकअप दोनों साइड के मैंने चेक कर लिए हैं, दिखाया मैंने केवल आपको एक साइड का है, तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये बूस कट गए होंगे। तो आने वाले समय में अगर अच्छे जगह में मुझे मिल गया कहीं तो मैं इन बूस को चेंज करवाऊंगा। और शॉकअप एकदम से सही है क्योंकि जब मैंने इन्हें 2 साल पहले बदलवाया था तो उस समय पुराने वाले शॉकअप को मैंने जब चेक किया था तो बहुत ही इजली दबते थे और ऊपर नहीं आते थे अपने आप। तो इस वाले शॉकअप में प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी मैं बता दूं गाड़ी गड्ढे में जाने पर बहुत भयानक आवाज़ करती है, लेकिन इस शॉकअप की वजह से नहीं है। और इस शॉकअप को आप चेक कर सकते हैं बिना टायर निकाले भी, इसमें बोल्ट लगता है जो 14 नंबर का रहता है और बहुत ईजिली ये शॉकअप खुल जाता है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप बूट को थोड़ा प्रेस करेंगे तो गाड़ी जैसे नीचे जाएगी इसके बाद झूलती हुई उठेगी, तो ये समझ के चलिए कि शॉकअप ख़राब है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैं सब चेक कर लिया था, इसलिए मैं आज इसको डायरेक्ट खोल के ही चेक कर लिया तो मुझे पता चला कि ये शॉकअप ख़राब नहीं है। इसी तरह मैं आपको उस साइड का भी दिखा देता हूँ, उसमें भी किसी प्रकार का लीकेज नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि मतलब शॉकअप ख़राब हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ एकदम से सूखा एरिया है, और जो पुराने वाले मेरे शॉकअप थे, मतलब मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि जो पुराने वाले मेरे शॉकअप थे जब वो ख़राब हुए थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा लीकेज थी और डस्ट थी, और साथ में क्या होता था जब हम गाड़ी को मोड़ते थे तो गाड़ी एकदम से अनबैलेंस हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन गाड़ी जब गड्ढों में जाती है तो बहुत बुरी तरह आवाज़ करती है खट खट। तो मुझे डाउट लग रहा है इन बूसेस में, ये जो बूस है आप देख सकते हैं
हो सकता है कि ये कट गए हो क्योंकि गाड़ी जैसे 10 साल पुरानी हो चुकी है और ये वाले बूस अभी तक नहीं चेंज हुए हैं। आगे के मैंने चेंज करवाए थे। ये छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना मेरा काम है, या आप लोग भी जागरूक रहें। कोई भी मतलब ये नहीं कि आपको बोल दे कि खट खट आवाज आ रही तो साकअप चेंज कर दे, और साकअप चेंज हो जाने के बाद बोल दे कि अब तो दूसरा चीज खराब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, बहुत से मैकेनिक के पास मैं गया तो डायरेक्ट उन्होंने बोला, मैं उनसे बोला कि पीछे से खट खट का साउंड आ रहा है और गड्ढों पे जाने पे गाड़ी आवाज करती है, उनका सीधा से कहना है साकअप चेंज करवाइए। आंख मूंद के डायरेक्ट बोल रहे हैं साकअप चेंज करवाइए, मतलब किसी भी प्रकार का उन्होंने चेक तक नहीं किया कि उसमें ऑयल का लीकेज है कि नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि साकअप चेंज करवाइए। वो भी साकअप का प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे मैकेनिक के मुंह से। मैकेनिक डायरेक्ट बोलता है 2000 रुपए का एक साकअप, और जबकि मैं आपको बता दूं जब मैं 2 साल पहले इसका चेंज करवाया था तो मुझे 2400 में दोनों साकअप मिल गए थे, मोनरो कंपनी के, जो कि टाटा खुद देती है, और ये मोनरो कंपनी के लगे ही हैं। और अगर हम टाटा वाली ब्रांडिंग में लेंगे तो लगभग 1700 से 1800 का है, लेकिन जब प्रोडक्ट सेम है ओनली ब्रांडिंग का फर्क है तो फिर हम क्यों टाटा का लें, मोनरो का लेके ही हम लगवा देंगे। तो इस तरह मैकेनिक लोग करते हैं, वो चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे साकअप खराब है। और मैं आपको बता दूं इसमें 100% मुझे अब ये श्योरिटी हो चुकी है कि इसमें बूस ही खराब होंगे। और अभी तक मैंने देखा है कि YouTube में कि बहुत कम वीडियो है जिसमें पीछे के सस्पेंशन का बूस चेंज हुआ हो, क्योंकि दो बूस आते हैं और बहुत महंगे नहीं आते, लगभग 400-500 रुपए का एक आता है। मान के चलिए 1000 रुपए का सामान रहेगा और 1000 रुपए लेबर चार्ज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं देखता हूँ क्या होता है, आने वाली वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। साकअप मैंने चेक कर लिया, साकअप एकदम से ओके है, मतलब किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है। और जो इसकी जो कॉइल स्प्रिंग होती है ना, वो इतना जल्दी नहीं हो जाती खराब नहीं हो जाती है। इसमें बुश में ही प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, तो बुश मैं चेंज करवाऊंगा, उसकी वीडियो आएगी, डिटेल वीडियो आएगी। तो चैनल डिफरेंट माइंड टेक को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए। आप देखते होंगे हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, हर एक आठ गलती से छूट जाए अलग बात है, लेकिन हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एक तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।